सो रोड ट्रिप की सबसे खास बात पता है क्या है? आपको किसी का वेट नहीं करना होता कि ये ट्रेन रुकेगी या फ्लाइट पहुंचेगी तब मैं उतरूंगा। गाड़ी कहीं भी रोक दो, कहीं भी आप घूमने जा रहे हो, आप अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, आप जहाँ चाहे वहाँ गाड़ी रोक सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं रोड ट्रिप्स को। सो ऐसे ही एक रोड ट्रिप पे हम लोग निकले और हम जा रहे हैं मुंबई से दिल्ली। 1500 किलोमीटर का ये सफ़र हम तय करेंगे दो दिन में। दो दिन में इसलिए क्योंकि हमारे साथ बच्चा है, तो हम लोग एक हॉल्ट लेने वाले हैं या तो अहमदाबाद में या उदयपुर में, और उसके बाद उदयपुर से हम लोग कल निकलेंगे दिल्ली के लिए, जो 750-800 किलोमीटर का रास्ता है। सो अभी हम लोगों ने सुबह जो मुंबई से स्टार्ट किया है वो 6 बजे स्टार्ट किया है। अभी हम लोग सूरत पहुंचने वाले हैं, अभी हम वापी में हैं। वापी से सूरत तकरीबन 110-115 किलोमीटर के आसपास और बचा है। हम लोग पहुंचते हैं सूरत, सूरत के बाद अहमदाबाद, अहमदाबाद में लंच करेंगे और उसके बाद हम डायरेक्टली रुकेंगे उदयपुर में। तकरीबन 7-8 बजे तक का लक्ष्य है हमारा कि हम 7-8 बजे तक उदयपुर पहुँच जाएँगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं मुंबई से दिल्ली के सफ़र पर। तो इसमें नेहा, मी, इक्षु एंड हमारे पापा हमारे साथ जा रहे हैं, तो हम लोग इस ट्रिप को पूरा एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि इस ट्रिप से पहले भी हमने एक ट्रिप किया था मुंबई टू दिल्ली जब इक्षु 3 महीने का था। ये वाला ट्रिप जो हमारा हो रहा है जब इक्षु 3 साल का हो गया है, तब हमने एक और ट्रिप प्लान किया है, और ये ट्रिप थोड़ा सा मेमोरेबल होने वाला है, बिकॉज इक्षु जब पहले गया था हमारे साथ 2020 में दिल्ली, तो बहुत छोटू था, 3 महीने का गोदी में था, बट इस बार वो थोड़ा सा बड़ा है, समझता है चीज़ों को, तो वो पूरा फुल ऑन एंजॉय करेगा। तो यही हम दिखाना चाहते हैं कि हमारा एक लॉन्ग रूट ट्रिप और रोड ट्रिप बच्चे के साथ हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए लेके चलते हैं आपको मुंबई से दिल्ली के रोड ट्रिप पर। मुंबई से दिल्ली तक का सफ़र है वो तकरीबन 1485 किलोमीटर का, और हम लोग एक्चुअली दो रूट हैं जाने के अगर आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो मुंबई से। एक रूट है वाया आगरा बॉम्बे रोड, जो नाशिक, धुले, मालेगांव, इंदौर, भोपाल होते हुए जाता है, और एक दूसरा रूट है जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा होते हुए जाता है। सो हम लोगों ने जो रूट लिया है वो लिया है हमने गुजरात वाला रूट, जिसमें हम सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, उदयपुर एंड उसके बाद वहाँ से जयपुर एंड दिल्ली पहुँचेंगे। सो पहला दिन जो हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो हम लोग प्लान करके ये निकले हैं कि हम लोग उदयपुर स्टे करेंगे, क्योंकि बच्चे के साथ हम लोग कंटिन्यूसली 24 घंटा नहीं चला सकते गाड़ी, तो हमें थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा, तो हम लोग उदयपुर रुकेंगे मोस्ट लाइकली। अभी तक यही प्लान है क्योंकि अभी 12 बजे हैं और अभी हम लोग सूरत भी नहीं पहुँचे हैं, तो 4:30 बजे के आसपास हम लोग अहमदाबाद पहुँचेंगे। अहमदाबाद पहुंचने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि अगर फॉग की सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हुई तो शायद हम लोग अहमदाबाद स्टे करें, अदरवाइज विल गो टू उदयपुर। सो हम लोग पहुंचे हैं अभी भरूच, भरूच ब्रिज पर हैं हम लोग अभी। यहाँ से तकरीबन 7 घंटे दिखा रहा है हमें उदयपुर के लिए, जो हम पहुंचेंगे तकरीबन 8 से 9 बजे के आसपास रात को। हाँ बेटा, आप भी बोलना है, बोलो बोलो। हम भरूच पहुंच गए हैं। ए भाई ए भाई बोलो बेटा, हम भरूच पहुंच गए। मैं आप बोलो, पहुंचते हम उदयपुर पहुंचेंगे रात को 9 बजे। हम उदयपुर पहुंचते रात को 9 बजे। क्वालिटी तो देखो आसमान में बादलों की, है ना, कितना साफ आसमान है, कितने अच्छे बादल लग रहे हैं यार। ये तो है, आप कभी अपनी सिटी से बाहर निकलते हो ना, मुंबई से, दिल्ली से, मेट्रोपॉलिटन सिटी से, बाहर का जो स्काई है ना उसका कलर ही अलग होता है। हम लोग रुके हैं अभी वडोदरा में, वडोदरा हाईवे पर,
एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। लंच का टाइम हो गया, 2 बज गए हैं और हमें तकरीबन यहाँ से 6-6.5 घंटा और लगे उदयपुर पहुँचने में। वडोदरा में या गुजरात में जब आप आते हैं तो यहाँ पे काठियावाड़ी खाना बहुत फेमस है, तो हम लोग डिसाइड करके चले थे कि हम काठियावाड़ी खाना खाएंगे। तो हम एक रेस्टोरेंट में खुले जहाँ पर हमने काठियावाड़ी ऑर्डर किया, जिसमें हमने लहसुनी गठिया और नहीं सॉरी जिसमें हमने काजू गठिया और सेब टमाटो के साथ बाजरे की रोटी ऑर्डर की। फिलहाल हमने अभी रहने का कोई ठिकाना बुक नहीं किया था, मोस्टली हम उदयपुर में एयरबीएनबी बुक करने वाले, कोई होटल बुक नहीं करने वाले, बिकॉज हमें सिर्फ सोना है वहाँ पर और सुबह 6 बजे वापस हमें उदयपुर से निकल जाना है फॉर दिल्ली। सो चलिए अभी लंच करते हैं और लंच में क्या मंगाया है, कैसा है खाना वो हम आपको बताते हैं। बट गुजरात में जब आप जाएंगे तो खाना आपको अच्छा ही मिलेगा, गुजरात बेल्ट पे राजस्थान बेल्ट पे आपको खाना अच्छा ही मिलता है, जैसे जैसे आप दिल्ली की तरफ जाते जाते हैं ना तो खाना अच्छा मिलने लगता है। तो ये श्री मधुबन करके रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमने खाना खाया है। हम लोग कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काठियावाड़ी में कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, नॉर्मल खाना था, बहुत ज़्यादा वाव फैक्टर नहीं था यहाँ पे, क्योंकि काठियावाड़ी खाना बहुत अच्छा होता है, बहुत ही टेस्टी होता है, लिटिल स्पाइसी होता है, बट यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल खाना था, बहुत ही फीका खाना था, मज़ा नहीं आया। बट अगर आप नॉर्मल ट्राई करना चाहते हो, साफ़ सुथरा है, इतना है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पर आप अपना लंच या डिनर करना है तो आप इस पर कर सकते हैं, वडोदरा हाईवे पर है, वडोदरा बाईपास पे आपको मिल जाएगा ये जब आप मुंबई से वडोदरा की तरफ जा रहे हो। सो हम लोग हैं अभी नेशनल एक्सप्रेस वे 1 जो वडोदरा से अहमदाबाद को जाता है, तकरीबन 90 किलोमीटर का ये एक्सप्रेस वे है। और इस एक्सप्रेस वे से आपका जो वडोदरा टू अहमदाबाद या अहमदाबाद टू वडोदरा का जो टाइम है वो तकरीबन 1-1.25 घंटे का रह जाता है, मैक्सिमम 1.5 घंटा। ओके, थोड़ा हमें जाम मिला बिकॉज ऑफ सम कंस्ट्रक्शन वॉज गोइंग ऑन दैट टाइम दैट पार्ट, सो थोड़ा बहुत जाम मिला हमें पीछे, बट हमें और 50 किलोमीटर्स और रह गया है अहमदाबाद। सो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे में हम लोग वडोदरा से अहमदाबाद पहुँच जाते हैं इस एक्सप्रेस वे, और यही एक्सप्रेस वे मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करेगा जो इस एक्सप्रेस वे पर आगे लोग निकलेंगे। तो अभी अपन लोग अहमदाबाद पहुँचेंगे, अहमदाबाद पहुँच के ये तो कंफर्म है कि हम लोग उदयपुर जा रहे हैं, क्योंकि अभी 4:30 हुआ है, मैक्सिमम 5:15 तक हम लोग अहमदाबाद पहुँच जाएंगे, और फिर 3:30-4 घंटा और दिखा रहे हैं अपने को, 5 घंटा मैक्सिमम दिखा रहे हैं अपने को उदयपुर। उदयपुर का स्केप्टिकल थोड़ा इसलिए था कि ठंड का टाइम है, फॉग ना हो, तो मैंने कुछ पता किया है, कुछ लोग उदयपुर में रहते हैं तो उन्होंने बोला कि फॉग नहीं है, ठंड भी बहुत ज़्यादा नहीं है इधर, तो कोई ऐसा तकलीफ होने वाला नहीं है। फाइनली हम पहुंच गए हैं उदयपुर, और मैं हूं अभी फतेह सागर लेक पर। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। सो लकीली अपने को एक होम स्टे मिल गया, एसएन विला करके फैमिली है जो नीचे रहते हैं, और उन्होंने ऊपर 6 रूम बनाए हुए हैं, इट्स अ होम स्टे, और बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइसिंग में मिल गया और बहुत ही नीट एंड क्लीन है, तो मैं उसका एड्रेस भी आपको डाल दूंगा। बट द पॉइंट वाज कि हम उदयपुर एक्चुअली 3-4 दिन के लिए घूमना चाहते थे, बट ठीक है एक नाइट के लिए हम लोग यहाँ पर रुक रहे हैं, बट स्टिल हम लोग थोड़ा सा सोचा कि एक राउंड मार लेते हैं, और हम लोग इसलिए यहाँ पर एक फतेह सागर लेक करके है और पिचोला लेक करके है, 2 लेक्स हैं, बहुत फेमस लेक हैं, बड़ी लेक है जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो हम फतेह सागर लेक पर अभी आए हैं। फतेह सागर लेक पर एक रेस्टोरेंट है, खाना खाने के लिए हम लोग आए हैं बेसिकली, थोड़ा वॉक करेंगे यहाँ पर थोड़ी देर बाद। सो एक रेस्टोरेंट है झूमर करके, ये झूमर रेस्टोरेंट सामने आपको दिखेगा, इट इज़ लेक फेसिंग रेस्टोरेंट, एंड यहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं और
जो विला के ऑनर है उन्होंने बोला खाना इसका बहुत अच्छा होता है, दो वो लोग भी खाना सर्व करते हैं, बट उनका खाने का टाइमिंग ख़त्म हो चुका था, जो वो उनके जो गेस्ट के लिए खाना बनाना था वो बना चुके थे ऑलरेडी। सो अभी अपन लोग डिनर करते हैं यहाँ पे और उसके बाद जाके अपना रेस्ट करेंगे, क्योंकि अपने को सुबह जल्दी निकलना है। बट इट इज़ रियली 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 गुड टू कम हेयर। और हम लोग एक्चुअली टाइम से पहुँच गए, 9:15 बजे, तो हम लोग एक घंटा यहाँ पर, डेढ़ घंटा यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं और उदयपुर के भी मज़े ले सकते हैं। आई वॉन्टेड कि इक्षु को उदयपुर थोड़ी देर घुमा दें और नैया भी चाह रही थी कि वो थोड़ी देर उदयपुर तो एक जगह देख सके तो देख लें, उसके बाद जब लंबे टाइम के लिए आएंगे वो तो एक अलग बात है, बट स्टिल वी जस्ट थॉट कि एक राउंड यहाँ पर मार लें। तो खाना खाते हैं और उसके बाद अपन लोग निकलते हैं यहाँ से। झूमर का एम्बियंस बहुत अच्छा है, लेक व्यू है, ज़बरदस्त व्यू है, मतलब अगर आप यहाँ से देखेंगे तो एकदम सामने लेक है। खाना अच्छा लग रहा है, खाने का मेन्यू अच्छा है, थोड़ा नीट एंड क्लीन है, लोकेशन बहुत अच्छी है, नो डाउट। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं अगर आप उदयपुर आ रहे हैं तो ये लोकेशन पर, इस जगह पे आप झूमर करके जो रेस्टोरेंट है उस पर आप खाना खा सकते हैं। खाने का क्वालिटी बहुत अच्छा था, तो प्रॉब्लम बस एक ही था कि खाने में मिर्ची ज़्यादा थी, बिकॉज राजस्थानी खाना तो मिर्ची होगी, तो हमने केर सांगरी मंगवाया था और दाल मंगवाई थी और दोनों में ही मिर्ची थी। अगर आप फतेह सागर लेके आसपास हैं और यहाँ खाना खाना चाहते हो तो झूमर करके रेस्टोरेंट जो है बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है, आप ट्राई कीजिएगा। तो अभी हम लोग फतेह सागर लेक पर हैं, 2-3 फोटोज़ खींचते हैं यहाँ पे एंड देन विल लीव फॉर आर स्टे जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, एंड वहाँ पे जाके हम लोग रेस्ट करेंगे, सो जाएंगे और हम मिलेंगे आपसे कल सुबह। तो चलिए गुड नाइट एंड मिलते हैं कल सुबह, और कल का हमारा शुरुआत करेंगे दिल्ली के लिए। एक अपडेट मैं आपको कल दूंगा अबाउट द यू नो रोड्स, रोड का क्या हाल है वो मैं आपको कल बताता हूँ सुबह कि क्या हालत थी रोड की, किस कदर हम लोग ट्रैवल करके यहाँ पर पहुँचे हैं। आई विल टेल यू अबाउट दिस टुमारो मॉर्निंग। एवरीवन, उदयपुर में हैं और अभी सुबह हुई है, सुबह के एग्जैक्टली 8 बजे हैं हम। मौसम ठंडा है पर बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, जो एक्सट्रीम ठंड होती है जो नॉर्थ की वो नहीं है, आई थिंक दिल्ली में इससे ज़्यादा ठंड है, तो हमें लग रहा है कि दिल्ली पहुँच के बहुत ठंड मिलने वाली है, उसके लिए हम लोग जैकेट वैकेट सब पहन लिया है, इनर वगैरह पहन लिया है। सो मैं आपको कल एक चीज़ बताना चाह रहा था कि मुंबई से उदयपुर तक का जो रोड था वो कैसा था। सच बोलूँ ना तो अहमदाबाद से लेके थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो हिम्मत नगर के आसपास से लेके उदयपुर तक का जो रोड था वो रोड नहीं था, वो एक्सप्रेस वे ही था। बस उसमें यही था कि एक्सप्रेस वे जैसा जो क्लोज्ड होता है, कोई आ जा नहीं सकता, गांव के लोग या आजू बाजू के लोग, वो नहीं था, बट अदरवाइज़ इट वॉज़ अ वंडरफुल रोड। लग ही नहीं रहा था कि हम लोग नेशनल हाईवे पे जा रहे हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे इतना बेहतरीन, अगर नेशनल हाईवे ऐसे है तो सोचो एक्सप्रेसवे कैसा बनने वाला है, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अगर मुंबई से उदयपुर की तरफ आ रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन रोड है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे जब हम निकलने वाले हैं उदयपुर से दिल्ली, तो आगे का रोड भी राजस्थान में बहुत बेहतरीन है, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ से गया हूँ। तो दिल्ली पहुँचने में अपने को 12 घंटे तकरीबन लगेंगे, रोड्स के ऊपर डिपेंड करता है। हम जयपुर से नहीं जाएंगे, दौसा से जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है हम वो वाला एक्सप्रेसवे लेने वाले हैं, क्योंकि दौसा से दिल्ली वाला जो पैच है वो खुल चुका है, तो हम वो वाला पैच लेंगे एंड विल जस्ट एक्सपीरियंस द मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे फर्स्ट टाइम। तो अभी निकलते हैं और करते हैं कहीं ब्रेकफास्ट और फिर आपको रास्ते में बताते हैं कि हम कहाँ कहाँ रुक रहे हैं खाने के लिए और कितना टाइम लगने वाला है। 12 घंटे लगने वाले हैं, तकरीबन 750 किलोमीटर के आसपास बचा है जो हमें भी कवर करना है।
रोड आप देख रहे हैं ना, ये रोड है भीलवाला रोड। हम लोग भीलवाड़ा से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर हैं। दिस रोड इज़ 2 लेन रोड, मतलब 4 लेन बोथ द साइड्स। एंड जब से हम लोग उदयपुर से निकले हैं, ये रोड पे ही हम लोग चल रहे हैं। और 2 लेन 4 लेन जो हाईवे है, ये इस 4 लेन हाईवे की खास बात यह है कि कहीं भी कोई बम्प नहीं है, कहीं भी कोई गड्ढा नहीं है, कुछ नहीं है। एंड इट्स प्लेन रोड एंड इट्स ब्यूटीफुल रोड। इस रोड से आप जब जाएंगे तो बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि ये रोड गांव के बीच में से और शहरों के बीच में से होके जाती है। तो गांव के लोग, आपको पता है कि वो कैसे आते हैं रास्तों पे, वो बाइक से आ रहे हैं, वो अपोजिट साइड आ रहे हैं। बस आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है, अदरवाइज़ रोड इज़ वेरी गुड। 70-80 की स्पीड पर मैं गाड़ी चला रहा हूँ और गाड़ी बहुत स्मूथली जा रही है। और अभी मुझे 9 घंटा दिखा रहा है दिल्ली पहुँचने में। तो दिल्ली पहुँचने के लिए हम लोग दोसा वाला एक्सप्रेस वे लेने वाले हैं। एक जगह रुके हैं, होटल BM प्लाजा। यहाँ पे हमने चाय, हमने सुबह से नहीं पिया तो चाय का ऑर्डर किया है। और भूख लग रही थी, वैसे तो हमारे पास घर के बनाए हुए पराठे रखे हुए हैं, बट मैंने एक आलू का पराठा ऑर्डर किया है। तो बहुत टाइम से मन कर रहा था, बहुत दिन हो गए आलू के पराठे खाए हुए, थोड़ा कंट्रोल करके रखा हुआ था, बट अभी आज सोचा कि चलो एक आलू का पराठा खाते हैं तवे वाला। सो आलू का पराठा आ रहा है और उसके साथ साथ चाय पियेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। हम पहुँचेंगे भीलवाड़ा। भीलवाड़ा मैक्सिमम 20 मिनट का रास्ता हो जाएगा। उसके बाद अजमेर, अजमेर के बाद जयपुर नहीं जाएंगे, दौसा की तरफ जाके अपन लोग एक्सप्रेसवे लेंगे, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे। सो जयपुर से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है हम लोग। 1:30 हुआ है और हम लोग रुके हैं लंच के लिए। तो रोड बहुत बढ़िया जा रहा है। एंड हाईवे जो है 48 का जो रोड है वो एक्सप्रेसवे से कम नहीं है। खाने के लिए आप कहीं भी रुक सकते हैं, बहुत सारे रोड साइड ढाबा हैं, होटल्स हैं और हर जगह आपको खाना अच्छा मिलेगा। जहाँ बैठे हैं अभी खाना अच्छा है। जहाँ सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया, मैंने आलू का पराठा लिया था। कहने को बहुत ही नॉर्मल सा रेस्टोरेंट लग रहा था, ढाबा लग रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आलू का पराठा इतना अच्छा आ जाएगा और चाय इतनी अच्छी आ जाएगी, बट आलू का पराठा बहुत अच्छा आया। जब आप महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से दिल्ली की ओर जाएंगे ना, तो आपको खाना अच्छा ही मिलने वाला है। और दिल्ली से आगे पंजाब निकल गया तो फिर तो आपकी चांदी हो जाएगी खाने में। तो खाने का टेंशन नहीं है, कहीं भी आप खाना खा सकते हैं, अच्छी जगह पर, डिसेंट जगह पर आपको खाना अच्छा ही मिलेगा। सो अभी खाना खाते हैं और यहाँ से निकलते हैं, देन एक चाय के लिए और ब्रेक लेंगे और फिर पहुँचेंगे अपना दिल्ली। बहुत सारे बनने वाले हर 100 किलोमीटर पे 50 मिनट। हाँ बेटा, सो फाइनली वी आर ऑन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो दौसा तक खुला हुआ है दिल्ली से। फर्स्ट फेज जो उसका लॉन्च हुआ है, हमने अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे एंट्री किया है। और यहाँ पे जो रेस्ट एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है एंड इट्स एक्चुअली ह्यूज एरिया। वहाँ पर हम लोग अभी रुके हैं फ्रेशन अप होने के लिए और एक चाय पीने के लिए। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि हाईवे, जो नेशनल हाईवे की जो सड़कें हैं वो इतनी अच्छी बनी हुई हैं, तो एक्सप्रेसवे की सड़कें कितनी अच्छी होंगी। जब एक्सप्रेसवे पे हमने एंट्री लिया तो समझ में आया भाई एक्सप्रेसवे की सड़कें क्या हैं। और एक्चुअल में मैंने कहा 10 किलोमीटर गाड़ी चलाई होगी अभी एक्सप्रेसवे पे, अगर आप 110-120 की स्पीड से चलते हैं तो 12 से 14 घंटे में आप मुंबई पहुंच जाएंगे दिल्ली से। एंड ये राजधानी से भी तेज़ है, आप समझे।
बाय रोड यू कैन कवर अप्रॉक्सीमेटली 1400-1500 किलोमीटर इन जस्ट 14-15 आवर्स। और क्या चाहिए यार ज़िंदगी में, मतलब इतना बेहतरीन लग रहा है मुझे यहाँ पर आके। आई एम फीलिंग रियली गुड कि यहाँ पर हम लोग आ सके। और एक जो आइडिया था हमारा मुंबई से दिल्ली आने का, वो ये भी था कि हम लोग ये वाला पैच पर से ही दिल्ली होके जाएं, से होके दिल्ली जाएं, तो हमारा वो पर्पज़ भी सॉल्व हो गया है। बट जिस दिन ये खुलेगा, जिस दिन पूरा मुंबई से दिल्ली का कॉरिडोर खुल जाएगा, उस दिन फॉर श्योर इस पर एक राउंड मारकर ज़रूर जाएंगे मुंबई से दिल्ली का, कन्फर्म है ये। रेस्टोरेंट्स वगैरह भी खुल गए हैं, इधर एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आगे डोमिनोज खुलने वाला है, उधर मैकडोनल्ड खुला हुआ ऑलरेडी, वो चालू हो गया है। यहाँ पे स्टारबक्स खुलने वाला है, स्टारबक्स का ये वाला सेक्शन पे काम चालू है, उधर डोमिनोज का काम चालू है, यहाँ पे एक और सेक्शन ये खुला हुआ है। तो यहाँ पे चाय बोली है और एक पफ बोला है, बट ये एक्चुअली बहुत ही, जैसे मैंने बताया ना, ह्यूज पफ बनाया है, तो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख के ये बनाया गया है। अगर आप इस एरिया को देखेंगे तो ये यहाँ से लेके तकरीबन 500 मीटर की लेंथ है इस पूरे एरिया की, सेक्शन की, और तकरीबन 300-350 मीटर विड्थ होगी। इतना बड़े एरिया में ये बनाया गया है। ऑब्वियसली ये बहुत ही बिजीएस्ट रूट होने वाला है इन फ्यूचर, तो हर एक रेस्ट एरिया जो रहेगा ना, वो इतना ही बड़ा बनाने वाले हैं। हर एक 50 या 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एरिया बनाने वाले हैं। वडोदरा तक का अभी चालू नहीं हुआ, वडोदरा के से पहले या कुछ यहाँ से कुछ थोड़ी सी दूर कुछ एरिया चालू हुआ, बट बीच में बहुत सारे पैचेज हैं जहाँ पे काम चालू हुआ अभी। सो ये वाला पार्ट भी हमने कवर कर लिया है और इसी से हम लोग अभी दिल्ली जाने वाले हैं। दिल्ली का दूरी जो हमारे घर तक का दूरी है वो तकरीबन 3 घंटा दिखा रहा है, तो 240 किलोमीटर यहाँ से बचा हुआ है दिल्ली, तो 110-120 की स्पीड से जाएंगे तो 2-2.5 घंटे में अपन लोग पहुँच जाएंगे। बट उसके बाद अपने घर तक पहुँचने में, यानी गुड़गांव से घर तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पहली चाय, आई एम फीलिंग रियली वेरी गुड। इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है ना, मैं आपको एक्चुअली वर्ड्स में बयान नहीं कर पाऊँगा, ये आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको पता लगेगा। जब आप मुंबई से दिल्ली रोड आएंगे, जो रोड्स हैं ना, हाईवेज, एक्सप्रेसवे तो बहुत दूर की बात है, हाईवेज जो है एक्सपीरियंस कीजिए,